सारे भाई ना राम राम भाई, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एक नए ब्लॉग में। आज अपना दिखाऊंगा थ्रेसर की जो है फिटिंग कर दी और अब अपना क्लच वगैरह काम कर रहे हैं अपा। थ्रेसर ये इसके अंदर था क्लच निकलिया, जो क्लच निकले था और अपना जो क्लच प्लेट का पुरानी पड़ी थी उस पर लैदर लगवाए हैं। लैदर लगवा कर डालेंगे इसके अंदर। पहले भी अपना लैदर लगवाए हैं बख्शीश कंबाइन का, लगभग 4 सीजन काटते थे और दिक्कत भी नहीं आई कभी भी। तो इसका भी अब की बार पहली बार अमरिंद्रा का लैदर लगवा कर पल्ल कल्च प्लेट डलवाएंगे और ये डल गया थ्रेसर बास्कट। अभी जो क्लच का काम करेंगे पहले, उसके बाद करेंगे इसकी सेटिंग। आरसी है क्या, कौन सी है, पेट्रोल की है, डीजल की? पेट्रोल की है भाई। पेट्रोल की है, क्या मॉडल है? यो 23 मॉडल है भाई। 23 मॉडल है, ये तो ले गए थे, नहीं तो ले गए थे। अच्छा, कितना ही पड़ी है? यो भाई पड़ गई अपना 13.5 लाख रुपए की नेट। एक्सेसरी सुसरी लुवाई की सारी कंप्लीट। टॉप मॉडल है? टॉप मॉडल है। एवरेज अवरूज के देवा? एवरेज भी 13-14 की बस। दबती दबती तो नहीं है? चाबी जेब चाबी ठीक है। ये देखो भाई, ये गाड़ी है और इसमें यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया भाई, कोई भी फोन रखो यहाँ पर चार्ज ऑन लग जाएगा। ये देखो एंड्रॉइड फोन कोई भी हो, एंड्रॉइड फोन कोई भी हो इसके अंदर आना चाहिए। सिर्फ कड़ा सी दिखा हुआ चार्जिंग, ये चार्जिंग रही भी। देखो करिए नगर का दोबारा, वो देखो चार्जिंग लग रहा था। एक मिनट, ये उठन दे सर बंद है। रखिए देखो तार तूर दहा इसका कोई, ये रही पूरे दिखाई देखो तार तूर लग रही फोन का। मैं ना 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 फोन है लाद रखे ना सह सह। ये देखो भाई होगी चार्ज स्टार्ट। तो ये भाई आजकल की गड्डियों में आने लग गया सिस्टम, बिना चार्ज की तार लाए बिना कुछ लाए फोन चार्ज हो जा अपने। बच्ची लेने दार आज आया, बहुत दिन बच्चा वीडियो में दर्शन दिए इसने एक साल पीछे। राम राम कर दोबारा। अच्छा ओका चल दी अपने है, एक साल बाद दर्शन दिए ना आज भाई साहब। कमेंट में एक बात जरूर बताइयो, थोड़ा तनी बड़ी वीडियो करिए, थोड़ा फर्क है कि नहीं? फर्क है भाई, पहले दा मन तो फर्क लग गया भाई, बाकी देखो भी के कमेंट ले भाई। ये जीरो से स्टार्ट है, पहले आते थे पल्ले जो अपने फिक्स आवंदे इनका मन नट नहीं लगेंदे, पर अब जो आने लगे इनका मन नट लगाने लग गए। ये मेन एक ही होता था इसका बार वाला जो सिस्टम है, लेकिन अब जो भाई नट के साथ ये भी तवा अलग बना दिया और ये भी अलग बना दिया। कचरा लो जी, सबसे पहले डलेगा यहाँ पर बैरंग। लो जी बैरंग डल गया, बैरंग के बाद एक लॉक डाल दिया। थोड़ा सा भाई लॉक का इसका बैरंग का बीच में स्पेस था, उसमें अपने एक लॉक और दे दिया है, तो थोड़ा लूज ही है, ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब स्पेस होना नहीं चाहिए इसमें, तो स्पेस होने कारण अपने थोड़ा लॉक दे दिया एक, ताकि आगे दिक्कत ना देवा बीच में और नॉर्मल साइड ढीला भी है लोग चल जा, कोई दिक्कत नहीं है। चल भाई अब डल गई इसके अंदर सील, डाल फोरमैन। और भाई जो 63-2-8 का बैरंग है तो इसके अंदर सील डलेगी 55-90-10। ये देख सकते हो आप, बहुत है हाँ 55-90-10, बस ज़्यादा नहीं है, आप हो जाएगी सेट या तो उसमें पढ़ाई जाकर 55-90-10 सील है। यार अब इसके बाद डलेगा भाई, ये डाल रहा है, ये खोल इसका कागज नट लाओ जी, थोड़ा ही चिकनाई कर दी इसका, ला दिया ग्रीस थोड़ा सा। अब इसको ठोकना पड़ेगा इसके अंदर भाई, चौड़ा गुल्ला टेक ले सेंटर। एक साइड कोई पड़ गया अपना बैरंग सील और सापट गमा, अभी साइड लगाएंगे डावर ना करा दर दे सीधी कर दे। अभी इस साइड डाले पहले बैरंग दा, सही है बैरंग थोड़ा बहुत चले कर, बैरंग खाली है ना, दो रखे देना
डाल बैरंग इसमें फ्री में ग्रीस ग्रीस कर भाई। बारली साइड इसका जरूर ध्यान रखे, देखो लोक के नीचे ना जगह बच गई, एक मिनट पर करी ये जगह बच गई एक स्पेसर की, इसको फिक्स करके ना स्पेसर वगैरह रख के ही लोक डाले, क्योंकि जब सीट कट जाए ना फिर ये आगे पीछे होने लग जाए, क्लच ऊपर नीचे होने लग जाए। अगर आपने यहाँ पर स्पेसर के साथ पूरी पैकिंग रख रखी है फिर लोक लगा रखे फिर आगे पीछे नहीं होगी, आपका सीजन ऐसे चल जाएगा, अपना क्लच में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। हाँ ऊपर लिया दिक्कत नहीं, पूरा पूरा डलागा डाल ये भी डाल देगा, ये पूरा पूरा काम हो गया ना ठीक है, ये भी लोक पा दे इसमें, यो बादा पड़ागा। हाँ यो रे लोक यार, अब ये लोक आएगा भाई, ये वैसे लूज ही डलेगा, लोक डाल के भी थोड़ा सा बाल वर्गा फर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए इसमें। फिर ये सीट भी कट गई बाई चांस आपके सीजन में दिक्कत नहीं आएगी, वैसे भी आपका सीजन लगा देगी। अब पहले इसमें पैकिंग नहीं डाल रखी तो बहुत ज्यादा जो तंग हो जाएंगे उनका सीजन में। लाओ जी केव डाला गया भाई, एक स्पेसर डल गया इसके अंदर और ऊपर डल गया लोक। अब चाहे सीट भी डाउन हो जी, वैसे तो काफी टाइम तक होती नहीं है नई पड़ गई साफ्ट, सीट भी डाउन हो जी फिर भी वो लगभग आगे पीछे नहीं जावेगा यू, मतलब और यू गैप था जो स्पेसर डाल लिया अगर इसकी सीट डाउन होगी नहीं। हाँ सीट डाउन होगी तेरे बच्ची ये भी वो फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे नहीं होगा जो भी। अब इसके ऊपर लगाओ उस्ताद जी वो कप लगाओ प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर फिर लॉक डालो। अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये क्लच का रखेंगे इसमें सामान भाई फिट करने का, पहले हाथ के लगे ग्रीस बर्स को आप इसमें ग्रीस बर्क का ये अपना होगा कंप्लीट, परली शेड भी देखो पैकिंग वगैरह बिल्कुल सही होगी इसकी, बाल वर्गा भी चार तो कोई बात नहीं, हल्की सी पर ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, पर नॉर्मल सा स्पेशल का गैप भी नहीं रहना चाहिए। अब रख रहे हैं ये भाई इसमें पा दिया जितनी बड़ी पुली दिखा 15 इंची पुली, इसके हैं डक्शन छोटे मशीन के, और अगर रोड पर दूसरी मशीन में 10 इंची पुली पा रहे हैं तो इसमें 11 इंची पड़ेगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा मशीन की डक्शन ना करके तो 14 की जगह इसमें 15 पानी पड़ा जीरिया में। तवा की फिटिंग होने के बाद अब वो लगाएंगे क्लच प्लेट है, तो मालिक ने कहा मैं प्रो में चाल छोड़ परा क्लच प्लेट ले आओ परन पड़ी है नहीं ओड़ा काले क्लच प्लेट ले भाई, ओड़ा दिल्ली गए थे पार किस तरह के थे वहां भाई, एक नंबर के थे भाई, गुड़गांव गुड़गांव में मैं दे दूं मैं तो थोड़े नंबर तो रह गए नहीं सेक्टर लग जाता, कहेंगे कई भाइयों ने चल नहीं भी पता होंगे अपने ने या आप भी कई बार गलती खा जा तो इसका उल्टी सीधी का मतलब क्या पता लगेगा भाई, सीधी क्लच के तोड़ता है उल्टी के तोड़ता है, यो कप्लेन जो बाहर लिख रही है ये ऊपर होगी नीचे ऊपर होगी कोई भी कम्बाइन हो जा। अच्छा ना उन उल्टी टेक का देखिए टिक जाएगी टिक गया सही है नी, देखो भाई पता के रोला आज कई बार चल इसमें तो कोई चक्कर नहीं था, कई बार बैरंग बुरू पाना पड़ जाए थोड़ा बहुत हवा हो जाए इस तरह इसका फेस लग गया था लग गया और इस चीज में फर्क पड़ जाएगा नहीं, इसमें तो भाई पता क्या है इसमें बूस और बैरंग नहीं है सरका है, उल्टी भी सही ठीक है सीधी भी सही ठीक है, अगर इसका बूस या बैरंग होता ना अंदर पांच का जो अपना सापटमेंट लग गया तो फिर ये टिका भी कौन थी उल्टी और लगभग टिकती भी कौन है, क्योंकि अब सब में बूस बैरंग पा रखे पर अब के बार अपने इसका जो था पिछली बार निकाल दिया था दोबारा डाल लिया नहीं है और कोई जरूरी भी नहीं है, मतलब वो उसका फायदा है भाई धड़क दी नहीं है क्लच प्लेट या मशीन उसका मैं लगता ही रहा साफ्ट, लेकिन आप ना ये बिना उसका बुस्ता डाल रहे हैं लगवा कर लिया भाई। चलो लाओ फिर इसका नट नट बंद लग गया अमरिंद्रा कंबाइन की, कोई भाई 13 पे बंद हो कोई 19 पे बंद हो कैं बंद हो अब बंद है 17 की टोपी पे, और इस भाई ने देखना होगा किस तरह बंद है 17 की टोपी पे, कोई इस तरह ला दे कोई डीबरी ला दे चलो अपना अपना तरीका, पर आप जो बंदा वही से वो बंदा और कई बार 17 की टोपी बंद है उसके बाद भी दिक्कत आ जाए जिस तरह आपका क्लच दाबा काम नहीं करता है तो भाई थोड़ी सी और डाउन में आंगा फिंगर वो अलग अलग चीज है जो अपने मकास की आ रही है, ये सिस्टम जो अपना इन्हें कह रहे प्रेशर प्लेट मकास कंपनी की है या प्रीत का विशाल का गेल दे रही है जो वो ज्यादातर 19 पे सेट होगा भाई, मतलब 17 की टोपी तो ऊपर तो आंदे नहीं है वो चाहे आप करके भी देखो तो भी नहीं आ रहा, लेकिन ये लुक कंपनी का कौन सी है
इसका ऊपर 17 टोपी पर फिट करेंगे रंड के। 17 की टोपी अपने भाई इस तरह रखनी है, देख लियो ये पाका इस तरह। पकड़ कर लेना, ये तो भाई टोपी में अपना कर दी सेटिंग है। ये भी इसकी कली कली फिंगर की कंपास बंद है तार की, और लगभग पिछले 10-12 साल तक जितना भी काम कर रहे हैं अपना या देखे अपन है, शुरू तो आप कंपास के लिए मैप का काम करा, बैरंग के लिए चेक नहीं करते हैं। तो बहुत से अपने उस्ताद हैं जो भाई हैं फोरमैन है, वो बैरंग के लिए भी चेक करें अपना अपना तरीका। बाकी अपना कंपास के लिए बन रहे हैं, तो भी कंपास दिखाएं अपना किस तरह बन रहे हैं। इसका मेरा तारा टुकड़ा बंद कर लेते हैं, और इस ना उड़ा कर ले फिट है जरा ध्यान जो है ना लग गया। चल मार रहे हैं, रुक जा निकल गया। चल कहीं भाई देखे जावे कंपास बंद नहीं करा, कंपास आज अपना नया सिरा दिखा देंगे बिल्कुल। काले ने थोड़ा टाइट करना है ना, पन्ना के मामूली ही टाइट कर लेना, जो लग गया और दिखा देवे नीचे तक लग गया। तार तोड़ गया वे मित्र ज्यादा थोड़ी जी तार वाले भी आवे या थोड़ी सी है भी ले ले जो नहीं मोटी हुआ सिल्वर की। लो जी अपनी फिंगर हो गई सेट बिल्कुल है ना, पूरी पूरी कर दी। ये भी थोड़ी सी फिंगर ना क्लच प्लेट की तवा दिखाया था आपका, जिसका तवा पाँव ले ला के आए हैं, जिससे इसका फेस लू आया यो, ये थोड़ा कम ज़्यादा घस रहा था, पहले दिक्कत आ रही थी इसमें, इस करके थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही है फिंगर कोना पता। बाकी कवा भाई चला दे तो देखें चल चल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो फॉल्ट था इसमें वो निकल गया। लो जी क्लच वाला बैरंग है, इसका गला भी आपने पूरी ढिली मिट्टी दारी देख ली, कंपास गला बांध गया। यो भी बढ़िया तरीका भाई, पुराना तरीका बहुत तजुर्बेकार, और वो भी बढ़िया तरीका जिस भाई ने जिस भी तरीका था बढ़िया लगा उस सेट साहब तो सेट कर दो। बाकी पूरा तो एक सार बंदा ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहीं मतलब क्लच क्लुच अपने हो कंबाइन के सेट जो सभी काम इसका मेन रह गया था। एक सीजन के दिक्कत आ रही थी क्लच में दिक्कत थी तो गियर पंदने आवाज करा था, दूसरा फिंगर फंगर चट दी तो वे कणक में पूरे तंग करे हैं इसने मशीन ने, फिर भी सेटिंग नहीं आई, सेटिंग नहीं आई तो ये भी सेट करके पाया क्लच। ये भी इसकी ट्राई लेवांगे देखेंगे किसी रहे किसी नहीं, और फिर सीजन का भी बैकफिट बताओगे अपना, अगर सीजन में तंग भी करे तो भी बताओगे। बाकी भाई जो ये क्लच अपना कराया और जो इन्हें पहला कराया था उसमें इबो पता लग जाएगा 100% तो भी कामयाब होगा या नहीं होगा, तो अपना ट्राई लेकर दिखाओगे मशीन की। पहला नहीं ले दबागा ले भाई, टॉप गियर में छोड़ता और जो आवाज थी इसकी गियरिंग बिल्कुल साइलेंट हो गई, नहीं तो गेयर बक्सा में जो साफ ट्रूक नहीं थे गेयर आवाज करे कर इसके। आओ टॉप में थी गुटका गेयर है इसका ककड़ा हुआ, खुला ही टॉप गेयर। चल चल बहुत है, तोड़ फोड़ भी ना करते ज्यादा, जोर देखना था अपना जोर बढ़िया मार रही है मशीन,
आवाज बूज तो सारी चीजा का साइलेंट हो रही है, बाकी मैं ज्यादा बात करने की लोड कोनी होंदी है। तो एक न्यू आवे मन संतुष्टि से हो जावे। टॉप गियर फुल आ यार, थोड़ा सा मशीन जो है टॉप में इंजन बंद करा हुआ है। अच्छा, जोर मारा पूरा ये तो न्यू बता संतुष्टि हो कि नहीं काम करा गया? जीरो जीरो हो गई। पहला नहीं करा दी तरह काम है? 1% नहीं, 100%। अच्छा, पहला नहीं करा दी तरह काम है? अच्छा, भाई की संतुष्टि होगी भाई। बैरंग जो से चेक करेगा, फिंगर फुंगर का लो, बाकी बैम वाली बात हो थोड़ा सा लोअर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। ताप नहीं रहनी चाहिए यार बैरंग पर, टेप फिंगर की मड़ी सी भी गर्म गर्म कोई चीज भी ठीक है। तो भाई जिसका भी मान ले गेयर बात ज्यादा करते हो और बार बार अपना ट्राई ले ली, 17 में बांध गया, 19 बजे बांध गया, 13 में बांध गया, तो एक तरीका हो रहा उसका भाई आप ना बंद करते, वैसे कोई बात नहीं होगी तो सारी, बाकी पहला भी चेक कर ली थी अपने, ये तो एक न्यू अभी बंद है, पीछे नहीं चेक नहीं कराई है, इस करके थोड़ी वीडियो बनानी पड़ी अपने। तो उसका एक को तरीका भाई, उस पर 13 नंबर की रिंग वार्सल जो है निचला प्लेट पर रख दो, तो अब क्लच प्लेट के बराबर और ऊपर उन नटा में बड़का टाइट हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा प्ले बदल जाए क्लच का प्लेट का, आवाज़ नहीं बिल्कुल भी करेगी और मशीन जोर भी इतने मारेगी भाई। तो आज की वीडियो थी अपनी उरी तक, भाई आगे अपनी वीडियो देखने वास्ते अगर बढ़िया लगा अपना तो अपना चैनल ना करो सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट, आगे फिर किसी कंबाइन की जानकारी देंगे। वीडियो देखने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद।